हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड, इस वीडियो में आज आप लोगों को दिखाऊंगा एक जो हम घुंघरू वाला जो लेस होता है ना, घुंघरू टाइप का आप मानिए, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक होता है। तो उसमें जो हमारा जो स्क्वायर वाला जो नेक होता है ना, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर कैसे आप जो तो चलिए हम बोलने से पहले आप लोग दिखा दो, आप लोगों को बहुत आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप लोगों को करनी है इसी तरह घुंघरू वाला के लिए, तो इसी तरह जो प्लेन फुटर है नॉर्मल चेंज करेंगे उसे, और चेंज करके इसी तरह जो सिंगल वाला जो फुटर है उसे आप लोग बहुत आसानी से पहले फिक्स्ड करेंगे जैसे चाहिए आप लोगों को। हमें इस तरह लगाना है तो इसलिए मैंने राइट वाला जो फुटर है उसे रखा है। आप अगर आप इसी तरह करें तो लेफ्ट वाला फुटर, ये बाजार में दोनों ही मिलता है, आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसे आप लगा दीजिए, जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा था, तो अगर थोड़ा सा दिखा जाए तो बहुत आसान है। तो देखिए जो हमारे स्क्वायर नेक होता है ना, तो देखिए वो किस तरीका से होता है। मैं एक तरफ का मैं दिखा रहा हूँ, तो फ्रेंड ये देखिए आपके दिखाने के लिए मैं एक उसी तरह तैयार कर रहा हूँ। एक स्क्वायर हमने नेक की तरह एक तरफ का मैंने कर लिया है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी तरह हमें चाहिए, इसी तरह ऐसे, ठीक है फ्रेंड। यानी कि कैसे हम नेक को इस तरह हम करें, ये देखिए ऐसे। तो ये तो हम इस फुटर से हम नहीं लगा पाएंगे, तो देखिए मैं बोलता हूँ इस फुटर से ही होगा और आप लोग भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ इसलिए किस लिए किस तरीके से। सबसे पहले हमें करना है जिस तरफ सीधा करना है, तो उस तरफ से भी आप लोग इसी तरह कर सकते हो, नहीं तो उल्टा करके, यानी कि आप उल्टा साइड से लेकर उसे सीधा करके इस जगह में कुछ लेस वगैरह, अब कुछ भी करें मुझसे उसे कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो करना है, सबसे पहले हम इसी तरह करेंगे, तो हम इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए एक छोटा सा टेक्निक यूज़ करनी है इस जगह में, तो आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत लोग इस तरीका से इसके लिए कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं करते घुंघरू से। तो मैं जो बोल रहा था आप लोगों को फ्रेंड, घुंघरू हो कुछ भी हो, इसी तरह स्टोन वगैरह कुछ भी लेस हो, तो उसे आप इसी तरह बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए किस तरीका से कर रहा हूँ मैं, और कैमरा को मैं थोड़ा सा पास से भी दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये देखिए। और जब लगाएंगे तो फिर ये देखिए जो उंगलियाँ है, तो इसी तरह टेक्निक फॉलो करें, नहीं तो आप ये सब नहीं लगा पाएंगे। ये देखिए ऐसे ये पकड़ के रखिए और उसके बाद इसी तरह लगाइए, और ये देखिए इस जगह में घुमाने के लिए हमें कितना मेजरमेंट चाहिए, इतना सा, और ये जो लाइन है उससे थोड़ा सा बड़ा हमें चाहिए ऐसे, ठीक है, घुमाने के लिए जितना चाहिए। तो फ्रेंड ये देखिए आप घुमाना नहीं जा रहा है, तो इससे से यही से हमारा स्टार्ट होता है हमारा टेक्निक। तो हम आप लोगों को क्या करने वाला है, ये देखिए इसे आप कट कर लेंगे, और उसके बाद ये देखिए मैंने इस जगह को फिक्स कर लिया है, और उसके बाद ये देखिए जितना दूर आपका जो पीछे वाला जो फुटर जाएगा आप छोड़ देंगे उसे। छोड़ने के बाद इसी तरह ये टेक्निक ऐसे, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए इसका गैपिंग छोड़ दिया है मैंने और इस जगह में बिठा रहा हूँ, ये देखिए। और एक बात फ्रेंड, आप लोग इसी तरह इसे पकड़ के ना रखेंगे तो ये स्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो आप बोलेंगे तो इस जगह में तो ये तो गैपिंग रहा है, तो हाँ ये गैपिंग है, मगर अब हम क्या करेंगे देखिए मैं दिखा रहा हूँ। जो टेक्निक आप लोगों को यूज करना है इसी तरह आप लोगों को हैंड सुई लेनी है, और लेने के बाद और ये देखिए उसी तरह लेने के बाद आप लोग जो हैंड सुई है उसे लेकर इसी तरह सिंपल सा जो काता स्टिच आप बोलते हैं ना, जो रान वगैरह होता है ना, तो वो टाइप का कुछ दे दीजिए, और नहीं तो आप जो स्टेम स्टिच है जो वो भी आप लोग यूज़ करते हैं जिसे हम डाल बोलते हैं, उसी तरह से भी कुछ भी आप लगा दीजिए इस जगह में, इसे फिक्स्ड करनी है।
ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए जिस जगह में हमारा जो पहले वाला जो स्टिच था और जिस जगह में खुला रखकर मैंने चले गया था उधर, तो वो जगह को इसी तरह मैंने लॉक कर दिया है। और उसके बाद इसे आप अंदर से अब कट कर दीजिए। ऐसे करते ठीक है फ्रेंड, तो ये था। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह घुंघरू लगाने के बाद इसे हम उल्टाते हैं इसी तरह। तो उस वक्त क्या करना है, देखिए दो तरीका, बहुत लोग क्या करते हैं इसे अब थोड़ा सा कट कर देते हैं इस जगह पे। तो इसे कट करने से क्या होता है, थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा होता है इस जगह में। और नहीं तो आप अगर ज़्यादा अगर साइड से लगाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए इसी तरह ऐसे होगा। तो चलिए मैं एक लॉक देकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और उसके लिए हमें ऐसा करके अगर करूँ तो ये देखिए ये फुटर से नहीं होगा, मगर मैंने एक ही फुटर से करना चाहता हूँ तो इसलिए हम इधर से स्टार्ट करने वाला हो ऐसे। और मैं जो धागा दे रहा हूँ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये और ये देखिए फ्रेंड जो लेस है हमारे पास, तो उसे इसी तरह फिनिशिंग कर देंगे। नहीं तो आप लोग अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये जो लेस है ना थोड़ा सा इसे बाहर रह जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसी तरह इसे लगा देते हैं। और ये वाला जो लेस है ये भी नहीं घूमता है ये, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं। अब देखते रहिए, आप लोग पता चल ही जाएगा। और इसे भी हम इस तरफ से यूज़ करेंगे। और ये देखिए ये जो कांचा रहेगा है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके हम इस जगह में बिठा देंगे। और जो इस तरफ भी कांचा पट्टी था वो भी इसके अंदर चले गया है ऐसे। दोबारा इसी टाइप से मैं ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है फिर, तो ये देखिए मैंने एक तरफ का मैंने आप लोगों को दिखाया इसमें। और ये देखिए आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड, अब ये घुंघरू से आप इसी तरह स्क्वायर वाला कुछ भी आप स्टाइल कर आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड। अब अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि और इतना लाइक करें ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।